दोस्तों, गूगल फ़ोटो में एक नया अपडेट आया है। अब आप गूगल फ़ोटो में किसी भी फ़ोटोज़ को यहीं पर पासवर्ड डाल के रख सकते हैं और किसी को दूसरे को देखने से छुपा सकते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आपको दिखाता हूँ कि गूगल फ़ोटो में किसी भी फ़ोटो को पासवर्ड डाल के कैसे रखना है ताकि दूसरा कोई देख ना पाए। उसके लिए आपको गूगल फ़ोटो को ओपन करना है। यहाँ पर जिस फ़ोटो को छुपाना हो उस फोटो को सेलेक्ट करें, या फिर एक साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ को छुपाना चाहते हैं तो उन सभी फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर में ये तीन डॉट दिख रहा है उसमें क्लिक करें। देख रहे होंगे यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है मूव टू लॉक्ड फोल्डर, उस पर आप ओके कर दें। आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा तो सेटअप में क्लिक करें। इसके बाद जो आपके फ़ोन का अनलॉक बटन है या पिन है उसको अनलॉक कर दें, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर दें और मूव कर दें। देख रहे होंगे ये आपके जो फ़ोटो थे वो मूव हो चुके हैं और आपके हिडन फोल्डर में जा चुके हैं। लॉक किए हुए फ़ोटोज़ को वापस देखने के लिए यहाँ नीचे लाइब्रेरी ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे राइट साइड में यूटिलिटीज़ ऑप्शन दिखा रहा है ऊपर में, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो देखेंगे लॉक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे आपको पिन या पासवर्ड डालने को कहा जाएगा, उसको डाल दें और ये आपके लॉक किए हुए फ़ोटोज़ आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही कमाल का अपडेट है, आप भी ट्राई करें। अगर आपके गूगल फ़ोटो में ये ऑप्शन नहीं आए तो आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करें। इसके बाद प्ले स्टोर में यहाँ पे गूगल फ़ोटो सर्च करें और यहाँ पे आपको जहाँ पे मेरे में ओपन लिखा रहा है वहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ से आप अपडेट कर लें। उसके बाद से जैसा मैंने शुरू से बताया था प्रोसीजर करने के लिए, वैसा करें, आपको भी ये ऑप्शन मिल जाएगा और आप छुपा पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।